नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक 24 न्यूज। मैं आपके साथ वैष्णवी मावर। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। आज ओडिशा कोरापुट जिला के कोरापुट जगन्नाथ मंदिर में ऑल वेब मीडिया एसोसिएशन की बैठक अनुष्ठित हो गई है। इस बैठक में चर्चा हुई कि जल्द ही कैसे एसोसिएशन को रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, इसके लिए पदक्षेप लिया जाए। कमेटी को नए तरीके से फॉर्मेशन किया गया है। इस कमेटी में सभापति के रूप में दाशरथी मालिक, कार्यकारी सभापति बसंत पेगोड़ो, साधारण संपादक गणेश पटनायक, उपदेष्टा पूर्ण चंद्र पटनायक, ज्योत्सना रावलो, उपसभापति जगमोहन नायक, ईश्वर महतो, कोषाध्यक्ष श्रीमती प्रभाती राउत, मालकानगिरी जिला जॉइंट सेक्रेटरी जिम्मेदारी में है। गोविंद मंडल के अलावा बहुत से मीडिया वाले मौजूद रहकर बैठक को सफल किया है। आने वाले दिनों में एसोसिएशन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाएगा, इसके लिए चर्चा की गई है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ज्यादा से ज्यादा वेब मीडिया रिपोर्टरों को इस एसोसिएशन में जोड़ने के लिए सबसे आग्रह किया गया है। इस एसोसिएशन के माध्यम से सभी मीडिया भाई बहनों को जो भी समस्या होगी, जैसे ही मीडिया वाले अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंच जाएंगे, इलाके में न्यूज कवर करने जाते हैं तो उन पर आक्रमण, प्रशासनिक अवहेलना के लिए इस एसोसिएशन का काम करेगी। नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं गोविंद मंडल, उड़ीसा हेड। इस समय हम पहुँचे थे कोरापुट जिला के कोरापुट जगन्नाथ मंदिर पे। यहाँ पे जो ऑल कोरापुट जिला के जो वेब एसोसिएशन के तरफ से आज एक बैठक की यहाँ पे आयोजन किया गया। यहाँ के जो बैठक है, ये जो एसोसिएशन के सभापति दशरथी माली जी आइए, उनसे रूबरू होते हैं। सर, जरा आप बताइएगा क्या वजह है यहाँ पे जो जगन्नाथ मंदिर पे बैठक रखा है। हम लोग आज अविभक्त कोरापुट जिला की मीटिंग बोले रहे थे और आज हम लोग का एंटर अविभक्त कोरापुट जिला का भी सब सांबादिक बंधु सब आए थे और कर्मकर्ता भी आए थे। तो आज हम लोग निष्पत्ति लिए हैं, आगामी दिन में उसको रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे। और हम लोग का अविभक्त कोरापुट जिला का जितना सांबादिक है उनके लिए जो सुख दुख में उनके साथ शामिल होंगे एवं भाईचारा बढ़ाएंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए आज हम लोग निष्पत्ति लिए हैं। और एक बात, आज हम यही भी निष्पत्ति लिया हूँ अविभक्त कोरापुट जिला मीडिया एसोसिएशन का पोस्ट भी हम लोग परिवर्तन किया हूँ। तो आगामी दिन के लिए मैं आशा करूँगा अविभक्त कोरापुट जिला का जितना मीडिया बंधु है उनको सबको संगठित होने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। सर, एक बात बताइएगा, जो अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के अंडर कितने मतलब जिला आता है? सर, अविभक्त कोरापुट जिला का कोरापुट, रायगढ़, मानकानगिरी और नवरंगपुर, ये चारों जिला का संवादिक बंधु के लिए सबको मैं निवेदन कर रहा हूँ। सब संवादिक इसी संगठन में शामिल होंगे और संगठन को मजबूत करेंगे और अपना अधिकार के लिए लड़ाई करेंगे। ये सुने थे जो अनडिवाइडेड कोरापुट जिला के जो वेब एसोसिएशन के प्रेसिडेंट दशरथी माली की जुबानी। इन्होंने किस प्रकार जो बताया, जो चार जिला मलकानगिरी, नवरंगपुर, कोरापुट, रायगढ़, ये चार जिला के जितने वेब एसोसिएशन के इनके अंडर में जो वेब चैनल के जो रिपोर्टर है, इनको सबको आमंत्रित किया है कि हमारे जो एसोसिएशन में शामिल हो जाए और आपके सुख दुख के साथ ही हमारे जो ये संगठन रहेंगे। तो यहाँ पे मौजूद है इसी जो संगठन के चीफ एडवाइजर पूर्ण चंद्र पटनायक जी, आइए उनसे रूबरू होते हैं। सर, जरा बताइएगा आपका क्या राय है सर, आज जो बैठक यहाँ पे किया गया है? यहाँ पर जो बैठक हुआ है आज, ये हमारा अनडिवाइडेड कोरापुट डिस्ट्रिक्ट जितना मीडिया पर्सन है उन लोग का, पहले क्या है कि जितना हमारा रिपोर्टर्स है उनका बैकग्राउंड पिलर मीन्स कोई भी नहीं। सोचिए अभी कोविड का टाइम जितना मीडिया लोग है ना, उनको गवर्नमेंट तरफ से कुछ भी सहायता नहीं मिला है अभी तक। कुछ कुछ को मिला है और कुछ कुछ को नहीं मिला है, और उनको पेंशन नहीं मिल रहा है, उनको बैक सपोर्ट इनकेस कहाँ पर खतरा हो गया कोई रिपोर्टिंग करने के टाइम, उनके पास तुरंत जाकर कोई एसोसिएशन
नहीं पहुंचता है, इसलिए हम सोचा कि नई एसोसिएशन यहाँ करने से हमारा मीडिया जितना मेंबर हो गए उनको कुछ मदद मिलेगा। उसके बाद हम लोग को गवर्नमेंट को साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि हम फोर्थ पिलर हैं। हम जो रिपोर्टिंग करता हूँ ना, हम एकदम रिमोट एरिया में जाकर भी जो हम रिपोर्ट करता हूँ, तो फील्ड में जितना प्रॉब्लम रिपोर्टर को आता है ना, सब मीडिया लोग उनको ही मालूम है, लेकिन उनको सहायता के लिए कोई नहीं है। इसलिए हम इकट्ठे होने के बाद हमारा जो प्रॉब्लम होगा तुरंत हम गवर्नमेंट के पास पहुँचाने के कोशिश करूंगा। इसलिए आज यहाँ पर मीटिंग हुआ है, जो हमारा जितना मीडिया एसोसिएशन वाला मेंबर्स है सब आकर यहाँ पर कैसा आगे बढ़ना है, इसलिए डिस्कशन के लिए हम बुलाया था। हाँ, धन्यवाद। ये सुने थे जो चीफ एडवाइजर वेब एसोसिएशन के पूर्णचंद्र पटनायक जी के जुबानी यहाँ पे मौजूद है कि इसी संगठन के कोषाध्यक्ष केसीआर महादया प्रभाती रावत मैडम आइए उनसे रूबरू होते हैं। मैडम जरा बताइएगा कि ये जो संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आपके जो तरफ से और आपके संगठन के तरफ से क्या प्रयास जारी है? अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, लेकिन इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोग तो 2 साल पहले वो संगठन का शुरू किया था, लेकिन कोविड की कोरोना की वजह से हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। लेकिन आज जो हमारा बैठक था, बैठक में हमारा आज हम लोग संकल्प लिए कि अगले दिन में हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। और जो मैं तो ऐसे ही लेडीज लोगों का मदद कर रहा हूँ करने के लिए, जो एक पोस्ट दिए हैं मैं उनकी आभारी हूँ। और आगे चल के हम अभिव्यक्त कोरापुट की 4 जिले कोरापुट, मामलकानगिरी, नवरंगपुर और रायगढ़ में जो भी मीडिया भाई है उनको हम लोग उसमें शामिल करेंगे। उनको एक एक डिस्ट्रिक्ट में एक एक कोऑर्डिनेटर रखेंगे, रख के हमारा संगठन को सुदृढ़ पहले करने का हमारा प्रयास है। ये जो संगठन एक क्या होता है, एक मैं तो जो भी हमारा मीडिया भाई लोग ने कुछ न्यूज़ भी करती हूँ तो तभी देखती हूँ, मुझे देखने को मिलता है कोई भी एक मीडिया भाई उसका कोई भी तकलीफ होता तो कोई भी उसको पीछे नहीं जाता। एक संगठन कोई भी जगह पे जाके बोलने से उसका कुछ भी न्याय मिलेगा तो हमारा प्रयास है। तो हम लोग आप लोग भी हमारे साथ शामिल हुए और हमें सहयोग करिए आगे बढ़ाने के लिए, सहयोग करिए। हाँ, धन्यवाद। ये सुने थे प्रभाती रावत जो इसी वेब एसोसिएशन के जो कोषाध्यक्ष रहे, वो यहाँ पे मौजूद है इसी संगठन के एडवाइजर, आइए उनसे रूबरू होते हैं। मैडम जरा बताइएगा, ये संगठन को आगे बढ़ाने के लिए आपके तरफ से क्या प्रयास जारी है और किस प्रकार जो संगठन में ज्यादा से ज्यादा जो वेब रिपोर्टर जो है उनको शामिल करने के लिए प्रयास किया था, कैसे प्रयास किया, कैसे करेंगे? जी जी, आपको चैनल को भी धन्यवाद देती हूँ। यहाँ पे सब जो आए हैं हमारे कार्यकर्ता सब को धन्यवाद देती हूँ। जो हमारा जो डिस्कशन जो हुआ है आज कैसे, क्योंकि 2 साल से कोरोना की वजह से ये पोस्टपोन था, आज 3rd टाइम शायद ये हमारा मीटिंग हुआ है। तो इसमें मैं एडवाइस देती हूँ कि आज क्या क्या करेंगे, जो जो हो गया उसको भूल जाइए, क्या नहीं हुआ वो गलती को मत दोहराइए। अभी क्या होगा, क्या करेंगे और आज जो संगठन हुआ है, जो डिस्कशन हुआ है, वो कौन 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 सा पोस्ट में रहेंगे, कौन कौन सा काम करेंगे और कौन कौन एरिया में जाएंगे, क्या क्या एक्टिविटी रहेगा, वो सब के बारे में आज डिस्कशन हुआ है। और फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के बारे में, रजिस्ट्रेशन को मतलब उसको इम्पोर्टेंस दिया गया है, वो कैसे करेंगे पहले, वो पहला काम है हमारा इस संगठन का काम। और बाकी जो वर्क हमारे जो सभ्य रहेंगे उनको कैसे गाइड किया जाए, कैसे वो काम करेंगे, उस सबके बारे में भी आज डिस्कशन हुआ है। और मैं सबको यही कहना चाहूँगी जो यहाँ पे आएंगे ज्वाइन करेंगे तो उनका मकसद होना है कि समाज के जो आज प्रॉब्लम हो रहा है, देखिए बहुत सारे संगठन है लेकिन सब संगठन काम नहीं करते हैं,
ये संगठन, मुझे विश्वास है कि ये संगठन आगे जाएगा और काम करेगा और लोगों के पास पहुंचेगा। और सांवादिक का जो प्रॉब्लम है, जो आज सरकार भी नहीं समझ रहे, आज सांवादिक बहुत सारे आक्रमण के शिकार भी हुए हैं, तो वो हमारा भी ये मकसद रहेगा, जो सांवादिक जो प्रोटेक्शन आईन सरकार कैसे करेंगे, ये भी मुद्दा रहेगा, पहला मुद्दा रहेगा, प्रायोरिटी उसको दिया जाएगा। मेरे धन्यवाद। ये सुने थे जो एडवाइजर मैडम, उनकी जुबान बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि संवाददाताओं को, ज़्यादा से ज़्यादा संवाददाताओं को इसी वेब एसोसिएशन में ज्वाइन करने के लिए उन्होंने भी अपने तरफ से आग्रह किया। अब देखने को बाकी है कितने जल्दी ये जो संगठन रजिस्ट्रेशन होती है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जो चार जिला जो इस एसोसिएशन के अंडर में है, और वो जिला से कितने संख्या में संवाददाता इसी वेब एसोसिएशन में शामिल होता है। उड़ीसा कोरापुट जिला, कोरापुट जगन्नाथ मंदिर से उड़ीसा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट, आज तक 24 न्यूज। ओडिशा कोरापुट जगन्नाथ मंदिर से ओडिशा हेड गोविंद मंडल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।